वहीं हिसार में गांव सातरोड कला के ठेके पर लूट हुई है। दो हथियारबंद युवकों ने वर्कर्स पर गोलियां चलाई और साथ ही फायरिंग के बाद काउंटर से कैश लूटकर दो बदमाश जो है फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस मामले की जांच कर रही, आरोपी की तलाश कर रही। तो ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दो बदमाश जाते हुए दिखाई दिए, भागते हुए दिखाई दिए। बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे, जहां पर दो हथियारबंद युवकों ने वर्कर्स पर गोली चलाई और सीसीटीवी में कैद हो गए। काउंटर से कैश लूटा, उसके बाद फरार हो गए। उसके बाद पुलिस को मामले की सूचना जब दी गई तो फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुलदीप सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हिसार से। कुलदीप, किस तरीके से पूरा वाक्य पेश आया है, एक बार विस्तार से जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल, रात करीब 8 बजे के बाद का ये मामला है और उस समय काफी भीड़ थी जो है ठेके पर, और दो युवक आते हैं बाइक पर सवार होकर और रोड के दूसरी तरफ जो है वो बाइक खड़ी करते हैं, क्योंकि ये 4 लेन रोड है और उस तरफ बाइक खड़ी कर डिवाइडर कूद कर जो है दोनों युवक ठेके पर आते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो जो कारिंदे है वो भी पीछे की तरफ चले जाते हैं गोलियों से बचने के लिए, और जो गेट पर जो लोग शराब खरीदने के लिए खड़े थे वो भी जो है तितर बितर हो जाते, जिसके बाद जो है लोग वो जो बदमाश थे वो काउंटर में कहीं ना कहीं हाथ डालकर जो है सारे पैसे उस समय जितने थे करीब 50,000 से ज्यादा कैश बताया जा रहा है वो लूट कर जो है फरार हो जाते हैं। ठीक है, फिलहाल पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है कुलदीप? बिल्कुल, पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश लगातार कर रही है और जितने भी आसपास में सेंसिटिव एरिया है वहां लगातार उनकी तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जानकारी के लिए।